बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हम अपने चैनल के आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आसानी पहुँच सके। तो आज हम आपको बताएंगे कि चैनल का जो बैनर है, जो कवर आर्ट होता है, उसको किस तरह हम अपनी चैनल के जो है बैकग्राउंड पर जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चैनल ओपन है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है जी। कस्टमाइजेशन की ऑप्शन के ऊपर हमने जो यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है वो ब्रांडिंग के अंदर आपने जाना है। ब्रांडिंग के अंदर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे। ये है जी चैनल का लोगो और ये है जी हमारे पास इसका बैनर, ठीक है जी। यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जी बैनर इमेज। बैनर इमेज का साइज जो है वो 2040x1152 पिक्सल है, ठीक है जी। हमने बनाया है 2140x1440, ठीक हो गया। तो उसके बाद ये YouTube के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जो है इसको मुकम्मल जो है वो तैयार किया, ठीक है। तो इसका एक और भी है कि इसका साइज़ जो है वो 6 MB से ज़्यादा, मतलब फाइल का साइज जो है 6 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 MB हो या इससे कम हो, ठीक हो गया। ये दो बातें जो है वो आपने नोट करनी है कि जो YouTube की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अगर पिक्चर वगैरह जो है वो बनाएंगे तभी अपलोड होगी, वरना इसके ऊपर जो है वो अपलोड नहीं होगी। तो उसके बाद हम यहां से जो है वो अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपका किस फोल्डर के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह जो है पड़ा हुआ है, पिक्चर वगैरह जो है पड़ी हुई है, ठीक है। हमने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये हमारे पास फर्स्ट पर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो बता रहा है कि आपके पास जो भी चैनल है जी उसका नेम जो है वो आप, मतलब जो भी आपने उसकी पिक्चर वगैरह बनाई है तो यहाँ पर जो है वो आ चुकी है। तो ये यूट्यूब रिक्वायरमेंट के बिल्कुल मुताबिक है। अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना होती तो यहाँ पर जो है वो ये वाला जो ऑप्शन है ये शो नहीं होना था, और यहाँ पर मतलब जब ओपन करना था वहाँ पर जो है वो एरर आ जाना था। तो ये हमारा बिल्कुल जो है वो हो चुका है जी, ठीक है, ओके हो चुका है। अब हमने यहाँ से इसको डन करना है। जैसे डन करेंगे तो उसके बाद ये पूछा गया कि आपने इसको पब्लिश किया या अभी नहीं किया। अब हमने पब्लिश नहीं किया तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो पब्लिश के ऊपर जो है वो ब्लू कलर का ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा है। जैसे ही हम इसको पब्लिश पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ब्राउजिंग होगी, ये ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर जो ब्राउजिंग हो रही है, ब्राउजिंग के बाद आप देखेंगे यहाँ पर साथ ही इसके पब्लिश जो है वो हो चुका है। वो कह रहे हैं कि आप अपने चैनल के ऊपर जाएं और जाके इसको जो है वो आप देख सकते हैं। आपको वैसे भी पता चल जाएगा यहाँ पर जो है वो बिल्कुल जो है आपके सामने यहाँ पर टेक्स्ट चिप जो है वो लीक होके आ चुका है। तो इस तरह हम जो है वो अपने चैनल का कवर आर्ट जो है वो, कवर आर्ट और बैनर इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।